स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक चीजें जानी थी, वो केमिकल्स जो ड्रग्स के फॉर्म में यूज होते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि वो ड्रग्स जिनको हम मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, कब उसको हम ड्रग बोलते हैं, कब हम उसको मेडिसिन बोलते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ के अंदर कहां यूजफुल है, काफी डिटेल में हम बात कर चुके हैं। एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से क्या आता है, मैंने एक लिस्ट बना रखी है, इधर आप देख रहे होंगे मेडिसिन्स की, इनकी डेफिनेशन या फिर एक आधी मेडिसिन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, एक दो डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स का ये चैप्टर रहता है, तो कोई बड़े ज्यादा लंबे क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन आपको ज्यादा इसलिए किया क्योंकि ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है और इस इरा के अंदर हर कोई एलोपैथिक मेडिसिन ज्यादा खाता है क्योंकि सभी को फास्ट रिलीफ चाहिए। तो एलोपैथी मेडिसिन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना है और कोई भी मेडिसिन खाने से पहले अच्छी तरह से उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए और किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही लिखवा कर मेडिसिन लेनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, सो केमिकल्स इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर बड़े ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। विल टॉक अबाउट एंटीपायरेटिक्स, देन एनाल्जेसिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, ये दोनों साथ में आएंगे, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। उसके बाद है एंटी मलेरियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटेसिड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामाइंस एंड एनेस्थेटिक्स। वन बाय वन, ज्यादा डिटेल नहीं, जस्ट इनकी डेफिनेशन और कुछ एक एग्जाम्पल्स, और एक्सप्लेनेशन मैं करूंगी जहां रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला हमारे पास है एंटीपायरेटिक्स। देखो बच्चे, आप लोगों ने ये वर्ड देखा है, पायरेक्स, यस, पायरेक्स ग्लास, ग्लास के साथ हमने इस वर्ड को बहुत बार सुना है। तो पायरेक्स वर्ड पायरो, पायरो का मतलब हीट, राइट, पायरो का मतलब हीट। तो एंटीपायरेटिक्स मतलब एंटी टू हीट। तो कोई ऐसा केमिकल जो हीट, हीट मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब हॉटनेस, उसके एंटी काम करे, दैट विल बी नोन एज एंटीपायरेटिक्स। और बहुत सिंपल सा है एंटीपायरेटिक, हम कहां यूज करते हैं, हमें जब फीवर हो जाता है। ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मली आप थर्मामीटर के साथ उसको मेजर करते हो, 98.4 फारेनहाइट, इट शुड बी नॉर्मल। और उससे ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है 99, देन 100 तक चलो चलता है, नो प्रॉब्लम, बट 100 को क्रॉस कर जाए 1, 2, 3, तो इट इज कैलकुलेटेड इन हाई डिग्री, तो उस केस में हमें मेडिसिन लेनी होती है, एंड दैट मेडिसिन इज एंटीपायरेटिक्स। मतलब द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन हाई फीवर, दैट इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स, राइट। हम कोई PhD नहीं करने वाले हैं इसके ऊपर, जस्ट आपको पता होना चाहिए एंटीपायरेटिक्स क्या होती हैं, वो मेडिसिन जो हम टेम्परेचर को डाउन करने के लिए लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी मेडिसिन हैं, आपने उनके नाम भी सुने होंगे, एस्पिरिन, ठीक है, एक मेडिसिन जो हर किसी के घर में है, यस, पैरासीटामोल, और एक और सॉल्ट है, दैट इज फिनेसिटिन, ठीक है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड फिनेसिटिन, ये सबसे आप कह लीजिए कि मोस्ट कॉमन मेडिसिन हर किसी के घर में आपको मिलेगी। सॉल्ट है, दीज आर सॉल्ट्स, राइट, पैरासीटामोल इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, एस्पिरिन ये इसका ट्रेड नेम है, इसका IUPAC नेम हम अभी लिखेंगे, ठीक है, एंड फिनेसिटिन ऑल्सो। अब देखो, अगर मैं एस्पिरिन, पैरासीटामोल और फिनेसिटिन का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो आप एक चीज नोटिस करना, बेंजीन रिंग तीनों में, ठीक है, मैंने नाम इसी तरीके से ऐसे लिखे हैं कि इनके नीचे इनके स्ट्रक्चर्स आ जाए। एस्पिरिन इज एसिटॉक्सी COOH, दिस इज 2-acetoxy बेंजोइक एसिड, 2-acetoxy बेंजोइक एसिड। अब बात करते हैं पैरासीटामोल की, पैरासीटामोल के अंदर दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर इज फिनोल, और फिनोल या तो ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है या पैरा डायरेक्टिंग। तो फिनोल के अंदर पैरा पोजिशन के ऊपर लगा है हमारे पास
एन एच सी ओ सी एच थ्री. नाउ दिस इज एसिड एमाइडो. देखो कैसे, अगर ये एन एच टू ग्रुप है एमीन, एमीन का एक एच हटा दिया, ये बन गया एन एच, उसके आगे लगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री. दिस इज एसिडो ग्रुप, दिस इज एमाइडो. तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया, एसिड एमाइडो, राइट. अब मैं इसको यहां लिखने वाली हूं. अब ये एसिड एमाइडो कहां पे लगा, मैंने आपको बताया दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बेसिकली इट इज फिनोल, एंड नंबर फोर के ऊपर क्या लग गया, एसिड एमाइडो. तो दिस इज फोर एसिड एमाइडो, ठीक है, एसिडो प्लस अमाइडो, एसिड एमाइडो, बेसिकली इट इज फिनोल. तो ये आईयूपीएसी नेम है किसका, पैरासिटामोल का, और ये आईयूपीएसी नेम है किसका, एस्पिरिन का. नाउ कमिंग टू फिनेसिटिन, दोनों एक जैसे, जो फंक्शनल ग्रुप है दिस इज सेम, बस यहां पे लग गया इथॉक्सी, लेकिन अब थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि अब ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और ये बनेगा प्रिंसिपल, इट विल बी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. अब देखो इसका नाम बिल्कुल चेंज हो जाएगा. अब ये बेसिक हुआ NH2, NH2 के ऊपर लग गया COCH3, और इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटेनालाइट, दिस इज एसिटेनालाइट ग्रुप. तो बेसिकली इट इज एसिटेनालाइट, लेकिन फोर के ऊपर क्या आ गया, इथॉक्सी. सो इट इज फोर इथॉक्सी एसिटेनालाइट, राइट. तो दिस इज आईयूपीएसी नेम ऑफ फिनेसिटिन. तो आप देखो बेसिक स्केलेटन ऑलमोस्ट सेम, इन दोनों का तो बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ हाइड्रोजन हटाकर C2H5 इथाइल ग्रुप लगा दिया. और दिस इज एस्पिरिन, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड. इसको आप कवर कर लेंगे इट इज बेंजोइक एसिड, इसको कवर करोगे इट इज फिनोल, इसको कवर करोगे दिस इज एसिटेनालाइट, राइट. अब इस तरीके से ये मेडिसिन जो है दे आर यूज्ड एज एंटीपायरेटिक्स, ठीक है. मेरे पास पैरासिटामोल है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही पैरासिटामोल टैबलेट्स, ठीक है. ऑलमोस्ट आपने सभी ने अपने घरों में देखी हुई हैं ये मेडिसिन, और ये रही इसकी पैकिंग. तो सेम यही मेडिसिन इस नाम से भी आती है, दिस इज पैरासिप, सिप्ला वालों की है. और पैरासिप के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो सॉल्ट, मैं फोकस करती हूँ इस पर, देखो पैरासिटामोल टैबलेट्स. तो इस तरीके से मार्केट के अंदर जिस भी नाम से ये सेल होती हो, बेसिक सॉल्ट इसके अंदर कौन सा था, पैरासिटामोल. इसी तरीके से फिनेसिटिन भी आती है और एस्पिरिन इज अ वेरी कॉमन मेडिसिन. तो ये थे एंटीपायरेटिक्स. अब बात करते हैं नेक्स्ट, एनल्जेसिक्स. नेक्स्ट इज एनल्जेसिक्स, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दीज आर कॉमनली नोन एज पेन किलर्स. आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, किसी को पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या कोई बाजू में दर्द हो रही है, कहीं पे भी पेन हो रही है, तो नॉर्मली बोलते हैं हाँ भाई इसको पेन किलर दिला दो, टैबलेट दिला दो, या इसको इंजेक्शन लगवा दो, पेन किलर लगवा दो, सो दैट इसका दर्द हट जाए. तो पेन किलर्स, पेन किलर वो उसका लिटरेरी मीनिंग हो गया, पेन किलर इज बेसिकली एनल्जेसिक्स, ठीक है. तो द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर यूज टू रिलीव पेन्स, स्टूडेंट्स यहीं तक डेफिनेशन लिखते हैं, दिस इज इनकम्प्लीट. कोई भी पेन किलर अगर आप लेते हो, चाहे वो हेडेक के लिए लिया है, चाहे वो आपके पेट में दर्द हो रहा था आपने उस चीज के लिए लिया है, वो तब तक हम उसको एनल्जेसिक नहीं बोलेंगे अगर विदाउट कॉजिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट कॉजिंग इंपेयरमेंट ऑफ, किसके साथ, कॉन्शियसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस एंड सम अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ नर्वस सिस्टम. कोई भी पेन किलर जो हम लेते हैं वो सिर्फ पेन किलिंग का काम करना चाहिए, उसको सिर्फ दर्द हटाना चाहिए, ऐसा ना हो हेडेक हटाने के लिए मेडिसिन ली और उससे क्या हो गया, अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया बंदा, दैट इज रॉन्ग, वो मेडिसिन प्रॉपर नहीं है. या फिर मेंटल कंफ्यूजन, उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं,
वो मेंटली अपसेट हो गया, अपने माइंड को यूज नहीं कर पा रहा, या फिर इनकोऑर्डिनेशन, वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता, चल नहीं सकता, इनकोऑर्डिनेशन, उसकी बॉडी का कंट्रोल खत्म। देन पैरालिसिस, पैरालिसिस आप अच्छे से जानते हो, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है, बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। एंड सम अदर डिस्टर्बेंसेज ऑफ नर्वस सिस्टम, कोई भी डिस्टर्बेंस इन नर्वस सिस्टम, मतलब ये मेडिसिन बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करने वाली है, ठीक है, सीएनएस के ऊपर, मतलब जो मैसेज ब्रेन को जाता है। अब आप अच्छे से जानते हो नर्व सेल्स रिसेप्टर किस तरीके से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं, मतलब ये हुआ कि ऐसी मेडिसिन ना हो कि वो दर्द तो चलो हटा ही रही है लेकिन उसके अलावा इन जैसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है जो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है, तो हम उसको एनाल्जेसिक की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, दैट सैंपल ऑफ मेडिसिन दैट विल बी डिक्लेयर फेल्ड, उसको यूज करने के लिए परमिशन नहीं मिलती। तो ये था एनाल्जेसिक्स। ओके, पेन हटना चाहिए लेकिन नर्वस सिस्टम के साथ उसकी किसी भी तरह की इंपेयरमेंट नहीं होनी चाहिए। इससे पहले मैं सिंपल से इसके एग्जाम्पल्स बताऊं, सबसे सिंपल एनाल्जेसिक जो आप यूज करते हो, मैंने पहले दो नाम लिखे, एस्पिरिन, पैरासिटामोल। कुछ एक कंपनी पैरासिटामोल के नीचे यहां लिख के भेजती हैं एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक, लिखा होता है वहां पे। तो पैरासिटामोल एंड एस्पिरिन, ये दो टैबलेट्स ऐसी हैं, दो मेडिसिंस ऐसी हैं, दे कैन बी यूज एज एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक। आपका वन मार्क क्वेश्चन, नेम अ मेडिसिन विच कैन बी यूज एज एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक। तो पहली है एस्पिरिन, दूसरी क्या आएगी, पैरासिटामोल। तो दीज आर एनाल्जेसिक्स, आप इनको एनाल्जेसिक्स के अंदर लिख सकते हो। अच्छा, फिर आप अपने पेरेंट्स को पूछना, मम्मी पापा या जो भी आपके घर में हैं, तो वो आपको बताएंगे एक बहुत कॉमन सी मेडिसिन है, हल्का सा दर्द हुआ तो एकदम से केमिस्ट से जाके मांग लेते हैं, ब्रूफिन की गोली दे दो, है ना। तो दैट इज आइबोब्रूफिन, आइबोब्रूफिन, तो ये मेडिसिन, दिस इज ऑल्सो पेन किलर, ठीक है। देन एक और है डाइक्लोफिनेक, सोडियम, और सोडियम की जगह पे पोटेशियम भी हो सकता है। ये मैं कॉमन बता रही हूं एनाल्जेसिक्स के एग्जांपल्स, डाइक्लोफिनेक सोडियम और पोटेशियम। देन वन मोर एक्लोफिनेक, दीज आर वेरियस पेन किलर्स। अब मैं इसको कैटेगराइज करने वाली हूं और आप देखना ये नाम किस कैटेगरी में आते हैं। जनरल आपको डेफिनेशन आती है एनाल्जेसिक्स की, आप एनाल्जेसिक्स की लिखिए डेफिनेशन और उसके बाद इनमें से जो आपको नाम याद रह जाए आप उसको यूज करें। बेटर ये होगा अपने घर में सर्च कीजिए कौन कौन सी मेडिसिन पड़ी हैं, टेम्परेचर के लिए आपके पेरेंट्स आपको कौन सी मेडिसिन ला के देते हैं, या पेन किलर आपके पेरेंट्स में से अगर कोई खाता है तो वो कौन सी खाता है। ब्रॉडली हम एनाल्जेसिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि पेन हमेशा हेडेक नहीं होती या पेट दर्द नहीं होता, ठीक है। पेट दर्द के लिए जो मेडिसिन हम यूज करते हैं एंटीस्पास्मोडिक, तो उसके लिए अलग अलग सॉल्ट रहते हैं। अब देखिए मेरे पास दो तरह के कैटेगरीज हैं, एक है नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स और नार्कोटिक ड्रग्स, और दूसरे हैं नॉन नार्कोटिक। फर्क क्या है दोनों में? नार्कोटिक्स आप अच्छे से जानते हो, नार्कोटिक डिपार्टमेंट, ये उन ड्रग्स की स्मगलिंग को रोकता है जिनको हम गलत मानते हैं, जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता, जिसके बारे में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, है ना, हेरोइन, कोडीन, मॉर्फिन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये वो नार्कोटिक्स है। तो एक बात तो दिखती है, ये मेडिसिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर असर डालते हैं, इनको लेने पर आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं, नींद आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो नार्कोटिक्स के अंदर जो मेडिसिन हैं, दीज प्रोड्यूस स्लीप, पहली चीज ये नींद प्रोड्यूस करती है, एंड अनकॉन्शियसनेस, बंदा कॉन्शियस ही नहीं रहता, व्हाट आई एम डूइंग, अनकॉन्शियसनेस, अपने माइंड को यूज नहीं कर पाता। तो वो मेडिसिन, वो केमिकल्स विच प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस आर नोन एज नार्कोटिक्स, ठीक है।
अब नारकोटिक्स के अंदर आप इसकी एग्जांपल देखिए, मॉर्फिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखो मॉर्फिन से ही बनेगी हमारे पास हेरोइन, कोडीन, हेरोइन एंड कोडीन। अच्छा इसके अलावा हमारे पास मार्जुआना, ठीक है। अब मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, ये जिसको आप भांग बोलते हो, मार्जुआना, ये सारे के सारे एनाल्जेसिक्स हैं, लेकिन कौन से वाले? नारकोटिक्स। नींद आती है और अनकॉन्शियसनेस, बंदा बेहोशी की हालत में रहता है। लेकिन हम इसको मेडिसिन में क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई वी आर स्टडिंग देम इन मेडिसिन? और मोस्ट ऑफ देम, ये मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये किससे बनते हैं? ओपियम से। तो इनको हम बोल देते हैं दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम ओपियम। तो इनको ओपिएट्स भी बोलते हैं, इनको ओपिएट्स भी बोलते हैं। मॉर्फिन, मॉर्फिन से बनता है हेरोइन, हेरोइन से बनता है कोडीन, और ये मैंने आपको बताया मार्जुआना, दिस इज लोकल लैंग्वेज में आप इसको भांग बोल देते हो। अब इसको हम कहां यूज करें? देखो मैंने आपको पहले बताया पेन हमेशा सिंपल नहीं होता कि हेडेक हो गया। जब कोई ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन होती है, दैट इज वेरी वेरी सीवियर, बहुत ज्यादा पेन होता है। उस पेन को सप्रेस करने के लिए पैरासिटामोल कुछ भी नहीं कर सकती, बहुत माइल्ड होती है वो, हल्की हल्की मेडिसिन को, हल्की हल्की पेन को हटा सकती है। तो उस चीज के लिए मॉर्फिन इज द बेस्ट। मॉर्फिन जो है इट इज यूज्ड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल पेन्स, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। और ये जो इसके ओपिएट्स के अंदर मॉर्फिन है, मॉर्फिन के जो दोनों डेरिवेटिव्स हैं, इसी से बनता है हेरोइन एंड कोडीन। दीज आर वेरी पावरफुल एनाल्जेसिक्स, दीज आर पावरफुल एनाल्जेसिक्स। ओपियम से ही इनको डेराइव किया जाता है, ठीक है, अफीम, ओपियम इज अफीम। अब देखो सबसे बुरी बात इसकी क्या है, ये बहुत जरूरी है, पेन हटाते हैं, सर्जरी होती है तो उस दर्द को टॉलरेट करना आम इंसान की बात नहीं होती अगर ये मेडिसिन उनको, मरीज को ना दी जाए। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन के काफी टाइम तक बंदा बेहोश ही रहता है क्योंकि पेन किलर दिया होता है, दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ पेन किलर, वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, दीज आर हैबिट फॉर्मिंग, हैबिट फॉर्मिंग। अगर कोई इन ड्रग्स को लेना शुरू कर देता है, कोई हेल्दी पर्सन इनको लेना शुरू कर देता है, तो नुकसान क्या है उसका? डॉक्टर्स ने तो एक लिमिटेड क्वांटिटी दी है एज अ मेडिसिन, अगर ये इतनी ही बुरी होती तो गवर्नमेंट ओपियम उगाते हैं, उसकी खेती होती है, अफीम की खेती होती है, तो उसको बंद कर दिया जाता। लेकिन बहुत सारी मेडिसिनल कंपनीज हैं जो इसकी मेडिसिन को बनाती हैं, कितने हॉस्पिटल हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप इंडिया की ही बात करें तो कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, डेली की कितनी सारी सर्जरीज होती होंगी, तो उस सर्जरी की पेन को टॉलरेट करने के लिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओपियम तो चाहिए, और इसीलिए ये चीजें स्मगल होती हैं, इनकी स्मगलिंग होती है क्योंकि बहुत से लोग सोसाइटी के अंदर गलत काम करते हैं, इट्स अ सोशल ईवल कि ये वाली जो मेडिसिन हैं, दीज आर मेडिसिन, बट वो इसको एज अ ड्रग थेरेप्यूटिक काम के लिए यूज नहीं करेंगे, बस सोसाइटी के अंदर पैसे कमाने के लिए वो यूथ को कॉलेजेस में, इवन स्कूल्स तक में ये लोग सप्लाई करते हैं, बहुत गंदे लोग रहते हैं। तो ये जब बिना किसी बीमारी के सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बनाकर या फ्रेंड्स में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए शरारत में बच्चे शुरू तो कर देते हैं, लेकिन इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, हैबिट फॉर्मिंग है। एक बार आपको आदत लगा देंगे, फिर आपको हर वो गलत काम करना सिखा देंगे जो आपको मजबूर कर दे कि ये चीज आपको चाहिए तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। सो बी वेयर ऑफ सच पीपल, ऐसे लोगों की बात कभी भी नहीं सुननी, ऐसी गंदी चीज को हाथ भी नहीं लगाना। तो ये हैबिट फॉर्मिंग है,
एक बार आपकी बॉडी को इसकी आदत हो जाती है, इसको लेना शुरू कर देंगे, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट अपने आप ही आपको मजबूर कर देगी कि गो एंड टेक इट. सो दीज आर नार्कोटिक्स और एनाल्जेसिक्स, बट इनका एक ही ड्रॉबैक है कि ये हैबिट फॉर्मिंग है. अब बात करते हैं नॉन नार्कोटिक्स की. ठीक है, पहली चीज, दीज आर नॉट एज पावरफुल एज नार्कोटिक्स. ये नार्कोटिक्स की तरह पावरफुल नहीं होती. और दूसरी बात, डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप. इससे स्लीपिंग भी नहीं होती, इससे नींद भी नहीं आती. डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप और अनकॉन्शियसनेस. ठीक है, दीज आर माइल्ड एनाल्जेसिक्स, बिल्कुल माइल्ड होते हैं. ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है. दीज आर माइल्ड एनाल्जेसिक्स. ठीक, छोटी मोटी पेन्स को ठीक करने के लिए हम इनको यूज करते हैं. और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अभी मैं जो भी नाम पहले लिखे थे, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, देन आइबोब्रुफेन, डाइक्लोफिनेक सोडियम. सोडियम की जगह पोटेशियम भी हो सकता है, एज पर कंपनी कोई सोडियम यूज करती है, कोई पोटेशियम, देन एक्लोफेनिक. तो ये है नॉन नार्कोटिक्स और इनमें से कोई भी हैबिट फॉर्मिंग नहीं है. दीज आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग. इसको आप लाइन लाइन में लिख सकते हो, दीज आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग. सबसे बड़ा इसका हमें फायदा यह है कि इनको लेने से हैबिट फॉर्मेशन नहीं होती. ठीक है, वन मोर, नेप्रोक्सिन, दिस इज ऑल्सो एनाल्जेसिक. अब मेरे पास जो एनाल्जेसिक यहां पे है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूं. ये आपने पढ़ लिया होगा, दिस इज एक्लोफेनेक. ठीक है, तो दिस इज अ पेन किलर, दिस इज 100 मिलीग्राम इसकी जो डोज है, दैट इज 100 मिलीग्राम्स. अब देखो एस्पिरिन, डॉक्टर ये बोलते हैं कि एस्पिरिन ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, इसको कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं लेते, खाली पेट नहीं खाते हैं. वैसे कोई भी मेडिसिन जो है वो खाली पेट नहीं खानी चाहिए, सिर्फ कुछ एक मेडिसिन हैं जो खाली पेट खानी होती है. ठीक है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी. तो जिस मेडिसिन को डॉक्टर ने स्पेशल बोला है एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी, वो कभी नहीं लेनी. अब होता क्या है, आपको एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पता है. ठीक है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है, हम इसको खाते हैं, हमारे स्टमक के अंदर HCl एसिड गिरेगा, तो इट विल फॉर्म, दिस इज सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, इट वॉज 2-acetoxybenzoic एसिड और इससे बन गया सैलिसिलिक एसिड. अब ये क्या करता है, इट लीड्स टू अल्सर्स एंड ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग इन स्टमक. तो इसलिए इसका नुकसान होता है मेडिसिन, स्पेशली एस्पिरिन. इट इज नॉट यूज्ड, इट शुड नॉट बी यूज्ड एंटी स्टमक. और एस्पिरिन और बड़ी सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, इन प्रेगनेंसी, कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें इसको यूज करते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड. देन वायरल इंफ्लामेशन इन एड्स पेशेंट्स, इन डिमेंशिया, ऑल्सो ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट. तो मल्टीपल फंक्शंस हैं इस पर्टिकुलर मेडिसिन के. तो ये थे एनाल्जेसिक्स. अब बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स की. नाउ नेक्स्ट केमिकल इज ट्रैंक्विलाइजर्स. द केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, फैटीग, माइल्ड एंड सीवियर मेंटल डिजीजेस आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स. हमारी सोसाइटी के अंदर, स्पेशली इन इंडिया, व्हाट हैपेंस, जब भी कोई बात करता है मेंटल हेल्थ की, हम फिजिकल हेल्थ के लिए तो बहुत कॉन्शियस हैं, बुखार हो गया, दर्द हो गया, कोई कट लग गया, समथिंग समथिंग, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, लेकिन
मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते। अगर किसी को आप सजेस्ट भी करते हो तो वो यही कहेगा हम कोई पागल हैं क्या, साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है तो लोगों को यही लगता है कि कोई पागल है इसलिए इसको उस डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। जबकि जो टाइम जिस इरा के अंदर हम लोग रह रहे हैं वी आर हाईली स्ट्रेस्ड, हर काम का स्ट्रेस। अब जो ऑनलाइन सिस्टम है वो तो सबसे बड़ा स्ट्रेस, हर चीज ऑनलाइन मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत से कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज कब से काम कर रहे हैं और जब ऑनलाइन सिस्टम एंटर हुआ है उनका काम करने का सिस्टम अलग था, कॉपी पेन वाला था, लेकिन अब वो हर चीज डिजिटल है तो उसका कितना ज्यादा स्ट्रेस, हाउ टू लर्न दैट। तो स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो किस लिए? क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात नहीं करना चाहते। बच्चों में मूड स्विंग्स होते हैं, बड़ों में मूड स्विंग्स होते हैं, तो बस यही रहता है कोई बात नहीं खुद ही ठीक हो जाएगा। जबकि दूसरी प्रॉब्लम्स की तरह जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनसे ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएटिंग दैट इज मेंटल हेल्थ। तो जैसे फिजिकली हम चाहते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे बच्चे हैं वो ठीक रहें, तो इसके बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए। एवरीवन शुड बी हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली। तो जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं ऐसा थोड़ी ना कि पागलों को ही दिए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो एक अलग स्टेज है कि जब माइंड बिल्कुल कंट्रोल में ही नहीं रहता तो हम बोलते हैं कि नाउ इट इज मेंटल, इट इज मेंटली इल। लेकिन कुछ बड़े समझदार लोग भी मेंटली इल होते हैं क्योंकि उनका जो सोचने समझने की क्षमता है वो दिखने में तो हमारे जैसे ही होते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ उनकी प्रॉपर नहीं होती। तो स्ट्रेस हो जाता है किसी भी बात को, स्टूडेंट्स को पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, पेरेंट्स को बच्चों के फ्यूचर का स्ट्रेस हो सकता है। तो मार्केट के अंदर मेडिसिन हैं लेकिन फिर वही बात, मेडिकल प्रैक्टिशनर के बिना कोई मेडिसिन नहीं लेनी, ये मेडिसिन मिलती भी नहीं है, ठीक है। जैसे नारकोटिक्स हैं इनके ऊपर ओपन सेल के ऊपर तो बैन है, आसानी से अवेलेबल नहीं होती। सेम इज द केस विद ट्रैंक्विलाइजर्स, क्योंकि इसको भी एक्सेस क्वांटिटी में अगर कोई ले लेता है तो ये हानिकारक होंगी। तो फैटीग, माइल्ड एंड सीवियर मेंटल डिजीजेस, उनको दूर करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं दे आर नोन एज ट्रैंक्विलाइजर्स। अब देखिए ट्रैंक्विलाइजर्स, दीज आर न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, ये होती है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, ठीक है। और ट्रैंक्विलाइजर्स के साथ साथ एक और न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होती हैं, यस दैट इज एनल्जेसिक्स। तो ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एनल्जेसिक्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। अब देखो ट्रैंक्विलाइजर्स को हम यूज कर रहे हैं एंग्जाइटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिप्रेशन, इन सारी चीजों को दूर करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, इनको साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स भी बोलते हैं क्योंकि दे आर यूज्ड टू फाइट टू क्योर द डिजीजेस रिलेटेड टू आर माइंड। सो ट्रैंक्विलाइजर्स दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारी जो प्रेजेंट सोसाइटी है, करंटली हम जिस इरा में रह रहे हैं इसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है लोगों को। रीज़न ए बी सी बहुत सारे हैं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। अब ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं किसके साथ रिलेटेड हैं? हमारे माइंड के साथ। एंड वट इज़ स्टडी ऑफ माइंड? साइकोलॉजी। और जो साइकाइट्रिस्ट हैं एमबीबीएस के बाद एक स्पेशल कोर्स करना पड़ता है जैसे सर्जरी के लिए या फिर एमडी के लिए, तो उसी तरीके से नेक्स्ट पीजी के लिए आप कौन सा रूट चुनते हो तो उसमें जो साइकाइट्रिस्ट का है वो भी एक ट्रेड है। तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। और बेसिकली ट्रैंक्विलाइजर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन ऑर्डर टू मेक द पेशेंट फील गुड That you are okay, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होते। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है, हमें बुरा लगता है? इमोशंस। इमोशंस हर किसी के अंदर होते हैं, कुछ लोग उनको सप्रेस कर लेते हैं।
आपने अपने सराउंडिंग में बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो खुल के हंसते भी नहीं है, हंसने में भी कंजूसी करते हैं, ठीक है। सो आपको पता है इमोशंस कितनी तरह के होते हैं, आप हंसते हो, रोते हो, उदास होते हो, झगड़ा करते हो, गुस्सा करते हो, एंगर, सैडनेस, बहुत तरह के इमोशंस हैं। और जो इंसान इमोशनली स्टेबल है, मतलब छोटी छोटी बात पे रोता नहीं है, स्टेबल है, कोई नुकसान भी हो गया तो बिल्कुल कूल एंड काम, कोई बात नहीं देख लेते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर जो बॉडी के केमिकल्स हैं दे आर अंडर कंट्रोल, दे आर बैलेंस्ड। कई बार क्या होता है, हम चलते चलते अचानक कोई ऐसी चीज देखता है कि किसी को ऐसे लगे कि ये स्नेक है, हम एकदम से डर जाते हैं, तो डरते ही बॉडी के अंदर हार्ट बीट बढ़ जाती है। व्हेन एवर वी आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। होता क्या है, एकदम से ब्रेन को मैसेज जाता है, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो नर्व सेल्स के थ्रू प्रोसीड करते हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप उनके बारे में सुन चुके हो, हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो वो एकदम से नर्व सेल को मैसेज आता है, ब्लड के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, एड्रेनालिन, राइट। तो पता चल जाता है कि वी आर इन डेंजर, स्ट्रेस, डर, अफ्रेड, फियर। तो इस तरीके से आपका कोई भी इमोशन है, इवन योर स्माइल, वो भी एक केमिकल से रिलेटेड है। अच्छा, अब हम मेन ट्रैंक्विलाइजर्स की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट इज नॉर एड्रेनालिन। दिस इज न्यूरो ट्रांसमीटर। और इसका काम क्या है, व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट फिल्स अ ह्यूमन बीइंग विद द फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, दैट आई एम फाइन। जिस वक्त इसका लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, व्हेन इट्स जो इसका बैलेंस है, इसका लेवल है, व्हेन इट इज हैविंग नॉर्मल लेवल, तो जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर नो मूड चेंज, उसके अंदर किसी भी तरह का मूड स्विंग नहीं होगा, राइट। अब मान लीजिए किसी वजह से इसका लेवल लो हो गया, ड्यू टू एनी रीजन ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एड्रेनालिन, इसका लेवल लो हो गया। लो होने का मतलब ये हुआ कि जब ये पहले मैसेज भेज रहा था पूरी बॉडी के अंदर थ्रू नर्व सेल्स दैट यू आर ओके, आई एम ओके, मैं बिल्कुल सही हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई फियर नहीं है, ये चीजें फील करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर ये वाला केमिकल काम करता है। इसका लेवल लो हो गया, अब आपके बॉडी सेल्स के अंदर, आपके नर्व सेल्स के अंदर, ब्रेन सेल्स के अंदर ये मैसेज नहीं जा रहा, तो क्या हुआ, मूड चेंज। लेवल लो हो गया, देयर विल बी मूड चेंज, अ पर्सन विल बी अंडर स्ट्रेस। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, द पर्सन विल बी अंडर स्ट्रेस। अब क्या करें, इस स्ट्रेस को हटाने के लिए, व्हेन देयर इज लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनालिन, द पर्सन विल बी अंडर स्ट्रेस। अंडर स्ट्रेस है, देन एंटी डिप्रेसेंट विल बी गिवन टू द पेशेंट। जो भी पेशेंट है उसको एंटी डिप्रेसेंट दिया जाएगा, क्योंकि उसको स्ट्रेस है, उसका मूड बिल्कुल चेंज है, ऐसे सिर पकड़ के बैठा होगा, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मतलब मुंह से तो नहीं बोलेगा बट आप लोग देख सकते हो, आपका फ्रेंड कभी इस सिचुएशन में हो सकता है, आपके मदर कभी इस सिचुएशन में हो सकते हैं, फादर कभी हो सकते हैं, व्हेन उनको किसी चीज का स्ट्रेस हो सकता है, घर की कोई प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स को स्ट्रेस हो जाता है स्टडीज का, अभी जैसे आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं तो आई नो यू पीपल आर अंडर वेरी वेरी हाई स्ट्रेस, कि एकदम से इम्बैलेंस हो गया सारे का सारा, क्योंकि प्लस टू के एग्जाम पोस्टपोन होने का मतलब आपके आके जेई, नीट, वो सारे के सारा बैलेंस था वो बिगड़ गया। तो इसका मतलब अब ये केमिकल बॉडी के अंदर काम नहीं कर रहा, जब ये प्रॉपर था तो नो प्रॉब्लम, नो स्ट्रेस वॉज देयर, लेकिन अब इसका लेवल कम हो गया। लेवल कम होने का भी रीजन है क्योंकि वो ये चीजें धीरे धीरे शुरू होती हैं, हमारी बैलेंस डाइट इन सारे केमिकल्स को कंट्रोल में रखती है, कि आप क्या खाते हो वही चीजें तो इनको बैलेंस करती हैं,
ठीक है, जब आप अंडर स्ट्रेस हो आप अपने खाने का ध्यान नहीं रखते हो, ऐसा होता है, आप खाने का ध्यान नहीं रखोगे, टाइमली खाना नहीं खाओगे, हो सकता है बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। नॉर्मली ऐसे टाइम में भूख भी नहीं लगती, जब अंडर स्ट्रेस हो हम तो दिल करता है कि कोई बात भी ना करे, मुझे खाना भी नहीं खाना, एक्चुअली भूख महसूस ही नहीं होती। तो अब पेशेंट को देना है एंटी डिप्रेसेंट। ओके, एंटी डिप्रेसेंट हमने दिया, वो क्या काम करने वाला है? अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स किस तरीके से काम करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। देखो पहले ये नॉर एड्रेनालिन क्या कर रहा था, मैं कोशिश करती हूँ डायग्राम बनाने की। ये एक नर्व सेल, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास दूसरा नर्व सेल, अब हुआ क्या कि ये जो कॉमन एरिया है एक नर्व सेल के साथ दूसरा नर्व सेल जो कनेक्टेड है उनके बीच में, ये आपस में टेंटिकल्स जुड़े नहीं होते हैं, ये बात करते हैं थ्रू द एक्सचेंज ऑफ केमिकल, ठीक है, मतलब ये एक नर्व सेल, ये एक नर्व सेल, दे आर नॉट कनेक्टेड लाइक दिस कि वो ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नो देर इज अ गैप, ये एक ये दूसरा, इनके बीच में गैप है। तो हाउ दे टॉक, ये बात कैसे करते हैं, केमिकल का एक्सचेंज होता है। तो जिस वक्त यहां पे नॉर एड्रेनालिन एमिट हुआ, एक नर्व सेल से दूसरे सेल में वो ट्रांसफर हुआ, सेम वही चीज जो हम पहले करते आए थे, यहां पे रिसेप्टर होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे गया, इसने अपना मैसेज दिया और मैसेज एक सेल से दूसरे सेल में इस तरीके से, मतलब ये केमिकल इस नर्व सेल के रिसेप्टर के ऊपर लगा, मैसेज दिया, और उसके बाद फिर इसकी क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन, इसकी हो जाती है डिग्रेडेशन, खत्म हो जाता है ये, फिर ये वापस जाता है नर्व सेल्स के पास, अगेन ये रीजनरेट हो जाता है नेक्स्ट मैसेज देने के लिए दैट यू आर ओके, वेल बीइंग, आप बिल्कुल सही हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन ये तो नॉर्मल बात थी, है ना, अब हुआ क्या, इसका लेवल लो कैसे हो गया, ये तो जनरेट हुआ मान लो 10 ml, नॉर्मल काम कर रहा था, लेकिन इसका लेवल लो हो गया। लो होने का कारण ये हो सकता है, यू आर नॉट टेकिंग बैलेंस डाइट, टाइमली खाना नहीं खा रहे हो, अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। अब देखो इसका लेवल हो गया लो, लो का मतलब इसकी जनरेशन कम हो रही है, द सिक्रीशन इज लेस, सिक्रीशन इज लेस, लेकिन हम चाहते हैं हम इसी सिक्रीशन से काम चलाएं, हम इसी सिक्रीशन से काम चलाएं, तो उसका एक तरीका हो सकता है हम इसको डिग्रेड ना होने दें, है ना, हम इसको डिग्रेड ना होने दें, सो दैट एक को मैसेज दिया, फिर ये दूसरे को मैसेज दे, फिर ये तीसरे को मैसेज दे विदाउट अंडरगोइंग डिग्रेडेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कोई ना कोई एंजाइम होगा जो नॉर एड्रेनालिन, इसको कोई ना कोई एंजाइम कैटालाइज कर रहा होगा, एंजाइम कैटालाइजिंग, और इट बिकम्स डिग्रेडेड, इसको डिग्रेड कर रहा है, तो हमारा काम क्या होगा, इस एंजाइम को रोकना। तो जो हम एंटी डिप्रेसेंट देंगे, व्हाट एंटी डिप्रेसेंट डू, जो भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हम बाहर से देने वाले हैं, इट विल सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये उस एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा जो नॉर एड्रेनालिन को तोड़ देता था। अब क्या हुआ, चाहे वो कम बन रहा था, इट वॉज लेसर इन अमाउंट, लेकिन हमने उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होने दी। पहले क्या हो रहा था, एक ने मैसेज दिया, खत्म, फिर वो लंबा चक्कर काट के अपने घर जा रहा है, फिर उसकी रिपेयर हो रही है, उसको दोबारा से न्यूरोट्रांसमीटर बना के भेजा जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, मैसेज देने के बाद उसको खत्म नहीं किया, उसको बोल दिया कि पहले, जैसे मान लो कि क्लास के अंदर बोला कि आपने जाना है, एक बच्चे को मैसेज देना है, फिर वापस टीचर के रूम में, स्टाफ रूम में, फिर आप टीचर आपको बताएगा, अब ये सेम मैसेज नेक्स्ट बच्चे को देकर आओ, फिर स्टूडेंट वापस, फिर टीचर बोलेगा यही सेम मैसेज तीसरे बच्चे को देकर आओ। लेकिन जब हमने एंटी डिप्रेसेंट यूज किया, एक समझदार टीचर आया, उसने ये बोला, अरे भाई ऐसा करो, एक ही बच्चे को भेजो, वापस क्यों बुला रहे हो, उसको बोलो यू बी इन क्लास, पहले वन बाय वन सभी को मैसेज देना है, क्लास में अनाउंस नहीं करना है, पहले एक बच्चे को मैसेज दो, उसके बाद दूसरे को, उसके बाद तीसरे को, उसके बाद चौथे को, सो ऑन, और बच्चे के चक्कर बच गए ना, सेम इधर
अब उसका चक्कर नहीं लग रहा है, उसकी डिग्रेडेशन नहीं हो रही है, तो वो लेसर अमाउंट भी ज्यादा काम करेगा। तो एंटी डिप्रेसेंट इस तरीके से नॉर एड्रिनालिन के लो लेवल को भी यूज करके उसको प्रॉपर काम पे लगा देता है। तो इस तरीके से वो जो स्ट्रेस था वो खत्म हो जाता है और हमारे अंदर वेल बीइंग, फील गुड वाली बात आ जाती है, दैट यस आई एम फीलिंग गुड। एंटी डिप्रेसेंट दिया डॉक्टर ने कि अब आप बिल्कुल ठीक हो, और उसको खाते ही हमारी बॉडी का नॉर एड्रेनालिन बिल्कुल ठीक काम करना शुरू कर देता है। तो इतनी सी बात है। देखो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनकी वर्किंग इतनी सुपर्ब होती है दैट आपने वो लगे रहो मुन्ना भाई पिक्चर देखी होगी जिसमें उसको महात्मा गांधी जी नजर आते हैं, दैट्स ट्रू। अगर किसी चीज को आप अपने दिमाग पे इतना हावी कर लेते हो दैट आप कोई बुक पढ़ते हो, आप कोई फैंटेसी पढ़ते हो, यू स्टार्ट फीलिंग दैट इट्स हैपनिंग विद मी एंड यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग दोज थिंग्स, आप उन चीजों को देखना शुरू कर दोगे एंड दैट इज ऑल जो भी कह लो कि केमिकल्स का ही आपस में केमिकल रिएक्शन है जो आपको ये सारी चीजें इस तरीके से आपके ब्रेन को वो कवर अप कर लेते हैं। हार्मोन्स दे डोंट हैव ब्रेन, हार्मोन्स के पास ब्रेन नहीं होता बट दे आर वेरी वाइज। और इन सबको कंट्रोल करने वाला यस मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स की डिटेल आप बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां क्योंकि ट्रैंक्विलाइजर्स का काम आपको बताना बहुत जरूरी था इसलिए मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ। तो बात हम कर रहे हैं हार्मोन्स के बारे में एंड हार्मोन्स आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट? ट्रैंक्विलाइजर्स दे आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर दो तरह के हार्मोन्स की हम बात करने वाले हैं। एक है हैप्पी हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जिनके रिलीज से हमें फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब जॉय, सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट, आई एम हैविंग एवरीथिंग, सेटिस्फेक्शन, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो जब हम अंदर से एक फीलिंग आती है कि बस जो चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं, आई एम हैप्पी, राइट? तो स्ट्रेस जब वो कमियां नजर आती हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं किया, टेंशन, एंग्जाइटी, तो स्ट्रेस। हैप्पी हार्मोन्स जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स इन साइड आवर बॉडी, सीरोटोनिन, नंबर वन इज सीरोटोनिन, ओके। देन डोपामीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोपामीन। देन एंडोर्फिन्स एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब देखो इसमें से ये जो सीरोटोनिन है इट इज यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट, ये नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, नेचुरल। अगर ये बॉडी में रिलीज होता है, अगर इसका लेवल प्रॉपर रहता है तो हमें डिप्रेशन नहीं होता, ठीक है। जब भी वी आर अंडर स्ट्रेस, दो तरीके हैं, या तो स्ट्रेस डालने वाले हार्मोन का काम खत्म हो जाए, ठीक है, स्ट्रेस वाले हार्मोन का काम खत्म हो जाए, या फिर बॉडी के अंदर वो हार्मोन एक्टिव हो जाए जिसकी वजह से ये स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो हैप्पी हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जानी चाहिए। तो सीरोटोनिन इट इज एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, मतलब ये मूड चेंजेस को अफेक्ट करता है, इट कंट्रोल मूड स्विंग्स, ठीक है। ये जो डोपामीन है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फील गुड। इस हार्मोन की रिलीज अगर नॉर्मल लेवल से कम होती है तो कई बार आपने सुना होगा आज ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मीन्स अरे भाई अंदर बॉडी में डोपामिन की क्वांटिटी कम हो गई है, ठीक है। देन देयर आर एंडोर्फिन्स, ये भी हमारे इसको हम यूज कर सकते हैं माइल्ड पेन रिलीवर की तरह, माइल्ड पेन रिलीवर, हल्की फुल्के दर्द को दूर करता है एंडोर्फिन्स। ये भी केमिकल्स हैं जो ब्लड के अंदर जाएंगे, हल्का फुल्का जो पेन हो रहा होगा ऐसे ही, पता नहीं कुछ ऐसे महसूस हो रहा है, वैसे महसूस हो रहा है, तो ये एंडोर्फिन्स उसके लिए काम करते हैं। यस, ऑक्सीटोसिन, इट इज द हार्मोन ऑफ बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस,
हार्मोन ऑफ बिलोंगिंगनेस, लव, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की अगर इसको हम कडलिंग हार्मोन भी बोलते, इट इज ऑल्सो नोन एज कडलिंग हार्मोन, जिसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल प्रॉपर है उसको अपने दोस्तों से फैमिली से लगाव रहता है, बिलोंगिंगनेस, लव, ठीक। और कुछ लोग आपने देखे होंगे उनको अपने आप से मतलब होता है, किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो उनका कसूर नहीं है, उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल कम है। तो ये जितना ज्यादा हो, आजकल के इरा में जब लोगों के पास टाइम ही नहीं रहा किसी से बात करने का, तो ऑक्सीटोसिन का लेवल आई होप सबके अंदर बढ़ जाना चाहिए, सो दैट दे कुड फील बिलोंगिंगनेस टू एवरी वन। बिलोंगिंगनेस होगी तो हम किसी की भी हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। सो दीज आर द केमिकल्स। नाउ सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो चीजें हम बाहर सप्रेस करते हैं, रास्ते चलते आप किसी की हेल्प कर देते हो सामान उठाने में या उनका सामान घर तक पहुंचा देते हो, तो वो नेचर आपके अंदर कहां से आई? अरे भाई वो केमिकल्स है आपकी बॉडी के अंदर, वो केमिकल्स कहां से आए? आपके पेरेंट्स से। तो आपके पेरेंट्स की नेचर उनको काफी ज्यादा हद तक अफेक्ट करती है। तो ये वाले हार्मोन्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबके अंदर बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में, कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि ये हार्मोन बॉडी में हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कुछ भी नहीं करना है, अपनी डाइट में बिल्कुल प्रोटीन की क्वांटिटी को अच्छा लीजिए। अब जैसे मैं अगर इसकी डोपामिन की बात करूं, थोड़ा ये स्पेस में यूज करने वाली हूं, तो ये कहां से प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन। दो अमाइनो एसिड हैं, एक है टायरोसिन, दूसरा है फिनाइल एलानिन। आप में से जो मेडिकल स्टूडेंट होंगे उनको पता है इनके बारे में, अमाइनो एसिड्स के बारे में। हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में आप प्रोटीन्स के अंदर इसको डिटेल में देख सकते हो। तो ये डोपामिन अगर आपकी बॉडी में आपको ज्यादा चाहिए, मतलब आपकी बॉडी के अंदर ये दो अमाइनो एसिड होने चाहिए। दीज आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये होने चाहिए, ठीक है। एसेंशियल मतलब यू हैव टू गेट इट फ्रॉम आउटसाइड। नॉन एसेंशियल आपकी बॉडी खुद बनाती है। तो 20 में से 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है, तो दीज आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इंप्रूव योर डाइट, यू विल फील गुड, स्वस्थ रहेंगे तो सही रहेंगे, ठीक है। तो ये थे हैप्पी हार्मोन्स, ओके। अरे भाई इनका काउंटर पार्ट भी है, व्हाट आर स्ट्रेस हार्मोन्स। तो तीन बेसिक केमिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर एड्रेनालिन, देन कार्टिसोल, एड्रेनालिन, देन कार्टिसोल एंड नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन को और हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन बोलते हैं और नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। अब ये तीनों ही, ये रहा तीसरा, तीनों ही स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। कार्टिसोल, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर के ऊपर, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। जैसे ही हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, बॉडी एकदम से ब्लड के अंदर कार्टिसोल केमिकल को इंजेक्ट कर देती है। हमारी बॉडी में नर्व सेल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा जाता है? कार्टिसोल। और आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि आप एकदम से घबरा गए, स्ट्रेस में आ गए और हार्ट रेट एकदम से फास्ट फास्ट बीट करना शुरू कर देता है। और उसके लिए हम एक बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, दैट इज पल्पिटेशन। कईयों को आपने सुना होगा, मुझे पल्पिटेशन हो रही है, मतलब मेरा हार्ट बहुत जोर से बीट कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, डर के मारे भी हार्ट बहुत फास्ट बीट करना शुरू कर देता है। तो कार्टिसोल ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है। कब? जब आप अंडर स्ट्रेस हो, अफ्रेड हो, किसी तरह का एकदम से आपको कह लो कि इमोशनल ब्रेक हुआ हो, है ना, सेटबैक लगा हो, तो ये केमिकल सबसे पहले छलांग लगाता है, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे ही इसका लेवल बढ़ा, देखो है तो सभी की बॉडी के अंदर, हैप्पी भी है, स्ट्रेस भी है। नाउ इट्स अप टू यू, आपको स्ट्रेस हार्मोन्स की अमाउंट को बढ़ाना है या घटाना है, और हैप्पी हार्मोन्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है। उसी तरीके से एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन ऑल्सो कंट्रोल्स हार्ट बीट,
और उसके हार्ट बीट को कंट्रोल करने का मतलब बीपी कंट्रोल हो रहा है। ये दोनों चीजें कंट्रोल होने का मतलब आपका जो स्ट्रेस है वो कंट्रोल में है। वेन एवर यू आर अंडर स्ट्रेस, या तो आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा या आपका हार्ट रेट बहुत ही घट जाएगा। एक और चीज, वेन वी आर अंडर स्ट्रेस, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जब उनको कोई स्ट्रेस होता है दे स्लीप, उनको नींद आ जाती है। दैट इज द बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी एंड यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। कि आपकी बॉडी के अंदर जैसा ही स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा, तो आपकी बॉडी से जब नर्व के थ्रू मैसेज ब्रेन तक पहुंचा, तो आपके ब्रेन ने कहा गो टू स्लीप, आप सो जाइए, क्योंकि सोने से आपका लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करती हैं? नींद ही तो लाती हैं। डॉक्टर ने भी दवाई देके आपको सुलाना ही है ना। सेम केमिकल आपकी बॉडी के अंदर है। इट हैपन्स विद मी, व्हेन एवर आई एम इन टेंशन, आई एम हैविंग सर्टेन स्ट्रेस, हो जाता है तो मुझे नींद आ जाती है, और वो अच्छी बात है, दैट इज वेरी वेरी गुड। हमें कोई मेडिसिन लेनी नहीं पड़ती। सो इट इंड्यूसेस स्लीप, जब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है इट विल इंड्यूस स्लीप, और स्लीप से ना सिर्फ आपकी बॉडी, आपका ब्रेन भी रिलैक्स हो जाता है। तो इन हार्मोन्स की क्वांटिटी, इनका अमाउंट, इट शुड बी लेस, ठीक है। कार्टिसोल जो है हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, मतलब हार्ट रेट बढ़ना नहीं चाहिए। दिल की धड़कन 72 टाइम्स 1 मिनट में होती है, चलो 80-85 तक हो जाए नो प्रॉब्लम, इट शुड नॉट क्रॉस 90 और 100। क्योंकि मशीन है ना, उसको मतलब एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होने का उसकी एक पर्टिकुलर रिदम है, और वो फास्ट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसे भूल ही जाएगा कि है ना कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट होना था या एक्सपेंड होना था, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना है। तो इन हार्मोन्स का, ये तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाती है ना। कभी मूड खराब है अपने आप ठीक भी तो हो जाता है। लेकिन जब छोटी मोटी बात हो इट्स गुड, लेकिन समटाइम्स प्रॉब्लम्स आर वेरी बिग, प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे डिप्रेशन में आके बहुत गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, न्यूज़पेपर्स के अंदर बड़ी बुरी बुरी खबरें आती हैं। तो कभी किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना। फेलियर्स दिस आर द फुट स्टेप्स फॉर सक्सेस, दैट इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो कभी उस चीज़ का बुरा नहीं मनाना, अगर आप किसी काम में सफल नहीं हो पाते हैं नो प्रॉब्लम, कोशिश करना नहीं छोड़ना, यू कैन ट्राई ओनली, मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिलता है। और सबसे बड़ा एंटी डिप्रेसेंट, अपनों से बात कीजिए। अपनों से बात करके कोई भी स्ट्रेस ऐसा नहीं है जो दूर ना होता हो। अपने पेरेंट्स से दूरी मत बनाइए, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए। कई बार होता है पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो उनको बिठाइए, पकड़ के बिठाइए, मुझे बात करनी है आपसे, वो जरूर सुनेंगे। हाँ, कई बार होता है पेरेंट्स भी स्ट्रेस में होते हैं, वर्किंग है, कोई और बात हो सकती है, प्रॉपर टाइम देख के पेरेंट्स के साथ जरूर बात करें। अपने भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनसे बात कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए। और कई बार हम टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो आप अपने टीचर से बात अपनी शेयर कर सकते हैं, और टीचर हमेशा आपको गाइड करने को तैयार रहते हैं। तो डॉक्टर के पास हमें ना जाना पड़े, साइकाइट्रिस्ट के पास हमें ना जाना पड़े, इन केमिकल्स को ना लेना पड़े, क्योंकि ये सारे केमिकल तो हमारी बॉडी में हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनकी कमी हो जाएगी तो बाहर से भेज के इनको काम पे लगाना पड़ता है कि भाई काम करो, उसकी जरूरत ना पड़े। तो सबसे बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट, मूड बूस्टर, वो हमारी फैमिली होती है, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं। सो यूज दोज रिलेशनशिप्स और ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर जो केमिकल्स हैं, सो दैट उनको यूज करने की जरूरत ना पड़े। तो ये थे हैप्पी एंड स्ट्रेस हार्मोन्स। तो ऐसी डाइट लीजिए विच इज टोटली बैलेंस्ड, फुल ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हार्मोन्स प्रोटीन जैसे भी होते हैं। मैक्सिमम रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स, आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा है। तो यू शुड फोकस ऑन बैलेंस डाइट। अब एज पर डिजीज, जिस तरह की प्रॉब्लम होगी उसी तरह की मेडिसिन होगी। अगर किसी को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के लिए दी जाएगी एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, ओके, एंटी डिप्रेसेंट। अब हमारे पास मूड बूस्टर्स भी हैं। हम बोलते हैं मेरा मूड ठीक नहीं है, तो मूड ठीक करने की भी मेडिसिन होती है।
इनमें से ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर हमारे पास सेडेटिव्स होते हैं। सेडेटिव वो होते हैं कि जैसे मान लो कोई कोई पेशेंट ऐसा है जो वायलेंट हो जाता है ना, प्रॉब्लम्स हर तरह की होती हैं, कुछ लोग उनको हैंडल कर जाते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है, तो दे स्टार्ट शाउटिंग। आपने अपने आसपास बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, चीज़ें तोड़ना शुरू कर देंगे, बच्चे भी बड़े भी, तो हर किसी का स्ट्रेस लेवल अलग अलग होता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं सेडेटिव्स। तो सेडेटिव क्या काम करते हैं, दीज आर स्लीप इंड्यूसिंग, इनको लेने से नींद आ जाती है और बॉडी बिल्कुल पैसिव हो जाती है, वो ब्रेन को बिल्कुल ऐसे रिलीफ की फॉर्म में ले जाएंगे और बॉडी बिल्कुल काम हो जाती है, एंड कामनेस। तो वो होगा सेडेटिव जिसको लिया और नींद आनी शुरू हो गई, ठीक है। इसी तरीके से एंटी डिप्रेसेंट हो गया, सेडेटिव्स हो गए, देन हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स आर स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट्स। हिप्नोटिक्स दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, जो नींद वाली गोलियां होती हैं स्लीपिंग पिल्स, ये उनके कंपोनेंट्स होते हैं। मैं इनके केमिकल नेम अभी बताऊंगी आपको, जस्ट कुछ एक टर्म्स हैं जो यूज होती हैं, मैं उनको आपको बता रही हूँ। एंटी डिप्रेसेंट हो गया, देन सेडेटिव्स हो गए, हिप्नोटिक्स हो गए, तो ये मेडिसिन आती हैं किसके अंडर, ट्रैंक्विलाइजर्स। कॉमनली दे आर नोन एज ट्रैंक्विलाइजर। सेडेटिव भी ट्रैंक्विलाइजर है, एंटी डिप्रेसेंट भी है, मूड बूस्टर्स भी हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप, हो सकता है दो दिन लगातार आप सोए नहीं, आपको नींद नहीं आई, इनसोम्निया हो गया ना, नींद नहीं आई, लेकिन ब्रेन तो रेस्ट मांगता है, तो डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन लिखेंगे जिसमें आप जाग रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। नाम नहीं बताऊंगी मेडिसिन के मैं, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिशनर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि किसी को नींद नहीं आए तो वो खाना ना मिलने से ज्यादा हानिकारक है। खाने के बिना तो आप 40 दिन तक जिंदा रह सकते हो, यू कैन सर्वाइव फॉर 40 डेज मिनिमम रह सकते हो, लेकिन नींद अगर आपको नहीं आती है, दैट विल क्रिएट मेजर प्रॉब्लम्स। नींद के बिना हम नहीं रह सकते, तो उन पेशेंट्स को हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं। अब देखिए, ट्रैंक्विलाइजर्स को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, हिप्नोटिक एंड नॉन हिप्नोटिक। तो मैंने आपको पहले बताया, हिप्नोटिक मींस स्लीप इंड्यूसिंग, एंड दीज पर्टिकुलर जो केमिकल्स हैं, दे आर कॉम्बिनेशन, दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां। और नॉन हिप्नोटिक ये वो हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर्स हैं जिनको लेने से नींद नहीं आएगी। तो स्लीप इंड्यूसिंग में आ जाते हैं, बेसिकली दीज आर बारबिटेरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बारबिटेरिक एसिड, और इनको हम कॉमनली बोल देते हैं बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट्स किसको बोलेंगे, सिर्फ इन लोगों को। कौन कौन है, वेरोनल, एमाइटल, मैम्ब्यूटल, सीक्यूनल एंड ल्यूमिनल, ठीक है। दीज आर बारबिट्यूरेट्स, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड से बनते हैं इसलिए बारबिट्यूरेट्स। इसके अलावा वेलियम, वेलियम का मार्केट या ट्रेड नेम दैट इज डायजापाम, ये आपने सुना होगा, डायजापाम। देन जेनेक्स, दिस इज एल्प्रेजोलैम। देन क्लोनोपिन, इट इज क्लेंजापाम। ये वो मेडिसिन हैं, दीज आर सच मेडिसिन विच रिलैक्स ब्रेन, दीज रिलैक्स ब्रेन एज वेल एज बॉडी बाय इंड्यूसिंग स्लीप। इनको लेने से नींद आ जाती है क्योंकि इससे बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है और ब्रेन भी। दूसरी साइड नॉन हिप्नोटिक, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर नींद नहीं आई है तो उस तरीके से जो हमें मेंटल स्ट्रेस सा रहता है, दिमाग थका थका सा रहता है, तो उसके लिए ये माइल्ड रहते हैं, सच एज इप्रोनाइजिड है, देन फेनलजीन है, देन उसके बाद है क्लोरोडाइजोक्साइड, मेप्रोबामेट, दीज आर माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। इसके अलावा हमारे पास है इक्वानल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज यूज्ड इन डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, और इसके लेने से ब्रेन रिलैक्स होता है, इट रिलैक्स ब्रेन एंड नो इफेक्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा,
सिर्फ ब्रेन को रिलैक्स करेगी. सो दीज वर ट्रैंक्विलाइजर्स एज पर रिक्वायरमेंट. मूड बूस्टर्स हैं, मूड ठीक नहीं है, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, सारा उसका फिजिकल एक्टिविटीज, उनको बड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके बाद रिकमेंड करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स. एंटीसेप्टिक्स, सेप्टिक मतलब आपकी बॉडी पे कोई कट लग गया, जख्म खराब हो गया. एंटीसेप्टिक, वो जख्म खराब ना हो, हमें उसके ऊपर कोई ना कोई मेडिसिन लगानी है. तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज्ड टू आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उस जख्म को खराब कौन कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनको या तो वो खत्म कर देगा या उनकी ग्रोथ को वहीं पे रोक देगा. दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक. डिसइंफेक्टेंट, ये भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं. दीज आर ऑल्सो यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट फर्क क्या है दोनों में, दीज आर नॉट हार्मफुल टू द लिविंग टिश्यू. इसको हम डायरेक्ट स्किन पे यूज कर सकते हैं ऑन वूंड्स, कट्स, अल्सर्स एंड डिजीज्ड स्किन सरफेस, बट इसको कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू. बस यही इनमें फर्क है, ठीक है. दोनों ही सेम काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को अरेस्ट करते हैं. फर्क क्या है, एंटीसेप्टिक्स स्किन के ऊपर यूज किए जा सकते हैं, ये नहीं किए जाते. तो इनको हम कहां यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस ऑडोर्स, बदबू आती है, ठीक है, डिओड्रेंट्स. तो ये वो केमिकल्स हैं जो डिओड्रेंट्स के अंदर मिक्स किए जाते हैं, ठीक है. देन माउथ फ्रेशनर्स, माउथ रिफ्रेशर्स मार्केट में मिलते हैं छोटे छोटे, तो मुंह से बदबू आती है या बॉडी से बदबू आती है, तो उनके अंदर एंटीसेप्टिक्स को ऐड किया जाता है. तो सबसे सिंपल एंटीसेप्टिक्स जो हम यूज करते हैं, फ्यूरासिन है, सोफ्रामाइसिन है. अच्छा, एक एंटीसेप्टिक जो हमारे घरों में यूज होता है, यस, दैट इज डेटॉल. इसके ऊपर लिखा भी रहता है एंटीसेप्टिक लिक्विड, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ. ये देखिए, डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड. इसके अलावा अब देखो, मेरे पास एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप इसको पहचानते होंगे, बहुत से लोगों के घरों में ये मिल जाएगा आपको. दिस इज पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन. अब देखो, इसको ध्यान से देखना, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं. प्रोटेक्टिव माइक्रोबाइसाइडल टॉपिकल सॉल्यूशन, जरा ध्यान से पढ़ना. इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्रैम पॉजिटिव एंड ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, यीस्ट, प्रोटोजोआ. देन पोविडोन आयोडीन ट्रॉपिकल सॉल्यूशन इज नॉन इरिटेटिंग टू स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और वूंड्स. इट इज नॉन स्टेनिंग, राइट, निशान भी नहीं पड़ता. तो ये जो मेडिसिन है, हॉस्पिटल्स के अंदर जब कभी आपने ड्रेसिंग करवाई हो तो वहां पे यूज किया जाता है. इट इज एंटीसेप्टिक. तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है, आपने देखा हर तरह के, इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है ये वाली मेडिसिन, बहुत ज्यादा इफेक्टिव. और फंजाई, वायरस, बैक्टीरियाज, सभी के ऊपर ये एक तरह से बराबरी का काम करता है और जख्म को खराब होने से बचा लेता है, उसको रिकवर करता है बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. अब डिसइंफेक्टेंट, सभी के घरों में फिनोल होगा, लाइजॉल आप लोग यूज करते हैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए, हॉस्पिटल्स के अंदर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है. देन जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उनको, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वहां पे हम डिसइंफेक्शन का काम करते हैं. अब ये मेरे पास फ्लोर क्लीनर है, इसके ऊपर साफ लिखा हुआ है डिसइंफेक्टेंट सरफेस क्लीनर, सभी के घरों में मिल जाता है. तो आई होप सबको समझ आ गया होगा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर डिफरेंस क्या है. अब कुछ कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स देखते हैं एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स की. सबसे पहले क्लोरीन, यस, मैंने आपको बताया दिस इज डिसइंफेक्टेंट, और इसको हम यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग. आपने देखा होगा आपके घरों में जो पानी की सप्लाई आती है वीकली, मोस्टली वीक में एक दो दिन उसमें ना ऐसे बिल्कुल क्लाउडी क्लाउडी सा पानी आता है पहले, फिर वो थोड़ी देर सेटल हो जाता है कंटेनर के अंदर तो वो बिल्कुल प्योर हो जाता है. दैट इज क्लोरीन, क्लोरीनेशन. तो क्लोरीनेशन क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑक्सीडेशन कर देती है, उनको मार देती है. तो इस तरीके से हम क्लोरीन को यूज करते हैं.
इसके बाद डेटॉल, मैंने आपको पहले बताया इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक लोशन, एंड पेपर में क्या आता है व्हाट इज कॉम्पोजिशन ऑफ डेटॉल, एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्साइलिनॉल एंड टर्पिनॉल इन अ सुटेबल सॉल्वेंट. बिथ्योनल, पेपर में आता है बिथ्योनल और वेरोनल, ठीक है, जो हमने ट्रैंक्यूलाइजर्स किए थे. तो ढूंढना होता है कि उसमें ट्रैंक्यूलाइजर कौन सा है, तो बहुत से बच्चे बिथ्योनल के साथ, क्योंकि इसका नाम उनके जैसा है ना, वेरोनल, सीक्वेनल, मैम्ब्यूटल, अल लगा पीछे, तो इनको लगता है कि शायद ये भी ट्रैंक्यूलाइजर है, बट नो, बिथ्योनल इज एन एंटीसेप्टिक और इसको सोप के अंदर एड किया जाता है टू प्रोवाइड एंटीसेप्टिक क्वालिटीज, मतलब बॉडी ऑडोर को रोकने के लिए. आयोडीन इट्स अ पावरफुल एंटीसेप्टिक. देन पेपर में क्या आएगा, व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. तो आयोडीन का 2-3% सॉल्यूशन, 2-3% आयोडीन सॉल्यूशन किसमें, इन अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, एल्कोहलिक वाटर के अंदर 2-3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, इट इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी हम लेंगे लो कंसेंट्रेशन, तो इट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग, स्टरलाइजेशन मतलब किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्कैशेज. आपके घरों में जो स्कैशेज आती हैं गर्मियों के अंदर, आप बहुत यूज करते हो उसको पीने के लिए, तो दैट इज स्टरलाइज्ड, उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर किल्ड बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड इन लो कंसेंट्रेशन. बोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक. बोरिक एसिड बहुत माइल्ड होता है, इसलिए इसके एक्वा सॉल्यूशन को यूज किया जाता है आइज को वॉश करने के लिए. आइज के लिए जो एंटीसेप्टिक है दैट इज, उसके अंदर मेन कंपोजिशन रहती है बोरिक एसिड की. और इसके अलावा बोरिक एसिड जो है इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बेबी टेलकम पाउडर, जो बच्चों वाला पाउडर होता है टेलकम पाउडर, उसके लिए. आयोडोफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक पाउडर फॉर वूंड्स. देन थायमॉल, जैसे हम फिनॉल यूज करते हैं तो उसी का डेरिवेटिव दैट इज थायमॉल. उसके बाद एमाइल मेटाक्रिजोल, एमाइल मेटाक्रिजोल वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक, आप में से बहुत से लोग यूज करते होंगे इसको एज अ माउथ वॉश, जिनके घरों में है वो चेक करना इसकी कॉम्पोजिशन, माउथ वॉश और गागल्स के लिए, गरारे करते हैं ना, गले में इन्फेक्शन हो गई है, दर्द हो रही है, जैसे होता है ना स्लाइवा भी आप उसको स्वेलो नहीं कर सकते, तो उन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. तो ये पेपर में आने वाले कुछ एक इंपॉर्टेंट थे टॉपिक्स, वो मैं बता रही हूँ. एक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज नॉन इरिटेटिंग एंटीसेप्टिक, नॉन इरिटेटिंग, लगता नहीं है जख्म के ऊपर, लगता नहीं है, अदरवाइज डेटॉल है जैसे ही लगता है वो एक चुभन सी होती है ना, तो नॉन इरिटेटिंग एंटीसेप्टिक. जब भी आपने ड्रेसिंग करवाई होगी आपने देखा होगा डॉक्टर एक लिक्विड डालता है, ऐसे झाग झाग सी बन जाती है ना, बुलबुले से आने शुरू हो जाते, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, इसके अलावा देर आर सर्टेन डाइज, कुछ एक डाइज हैं, ठीक है, और उन डाइज को भी एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है. मेनली हमारे पास है जेंटियोइन, ठीक है, एक है जेंटियोन वॉयलेट, जेंटियोन वॉयलेट एंड मिथिलीन ब्लू. इन डाइज को भी एज एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है. सो इट वॉज ऑल अबाउट एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स. नाउ नेक्स्ट केमिकल इन मेडिसिन इज एंटी मलेरियल्स, नाम से पता चल रहा है एंटी टू मलेरिया. तो वो केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, बरसात के मौसम में ज्यादातर ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो सबसे बेसिक मेडिसिन द मोस्ट ओल्डेस्ट दैट इज क्यूनिन, बहुत कड़वी होती है ना, तो दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. किसी कारण प्रोडक्शन बंद कर दी गई थी, इसको रोक दिया गया था कि इनको मत बनाइए, क्योंकि इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे. लेकिन रीसेंट सिंथेटिक ड्रग्स, इसी की मॉडिफिकेशन दैट इज क्लोरोक्वीन, पैराक्वीन, प्राइमाक्वीन एंड मोस्ट रीसेंट दैट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 ये मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव थी और काफी समय के बाद इसकी प्रोडक्शन को बूस्ट किया गया एंड इट वॉज यूज अगेंस्ट COVID-19 क्वाइट इफेक्टिव इट वॉज.
सो दीज आर एंटी मलेरियल्स. तो वी आर डन विद फर्स्ट 5 केमिकल्स इन मेडिसिन. बाकी केमिकल्स इन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे हमारे अपकमिंग वीडियो के अंदर. टिल देन प्रिपेयर दिस नोट्स.